time. Hey guys, what's up back? Welcome back to a new vlog. Mumbai airport pe standard hai. 2:30 baje pahunchna tha. 3:30 ki flight thi. 5:15 ho chuka hai. Flight bolte hain abhi aur aadha ghanta 40 minute lagega. The aircraft has landed jo samne khada hua hai. So we are flying from this aircraft. We are going to Aurangabad and I'm super excited to go to Aurangabad. Actually, बहुत बड़ा पोपट कर चुका था. मतलब ऐसा लगा था कि मुझे लगा औरंगाबाद जाना वेस्ट हो गया. I'm planning to go to Aurangabad since last one year. Trust me, because I wanted to visit this place जो कि औरंगाबाद के पास है. It was my dream. Trust me, it was my dream. We will go there tomorrow. आज तो हम किसी काम से जा रहे हैं. तो काम निपटा के कल हम अपना काम करेंगे. मेन काम जो I have kept that day for myself. जो कि ऐसा बहुत कम होता है. Waiting for the flight to go. अभी बहुत tired हो चुका हूँ. Just boarding start हो. Flight पे जाके सोऊंगा मैं. And पोपट इसलिए कटा गया क्योंकि जब हम कल चीज़ विजिट करने जा रहे हैं, मैंने गूगल पर देखा तो दिखाता है कि भाई मंगलवार को जगह क्लोज होती है. मतलब एक यार. सो रिसेंटली देर इज़ अ इंसिडेंट विच हैपेंड इन US जहाँ पे ऐसी एक ट्रॉली थी, वो ऐसे ऐसे घूमने लगी एंड वो एयरक्राफ्ट को डैमेज करने वाली थी. एक दूसरा बंदा दूसरी ट्रॉली लेके उसने उसको भेज दी ताकि वो रोटेट करना स्टॉप कर दे. एंड ही सेव्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द एयरक्राफ्ट एंड द पीपल अराउंड हिम. Came up out the womb of man with everything that you demand. You could say I had a plan. हमारी तरी भी देखो, हमारी तार भी राइटिंग पे है. बुकी नंगी तार हो चुकी हमारी. You could say I had a plan way before I had a fan. Some would probably call it luck, I just call it being blessed. You ain't never did the work, but you wanna be the. So finally we are in Aurangabad. जो हिसाब से मैं सोया मुझे पता नहीं कि औरंगाबाद पहुँचे कि अहमदाबाद पहुँचे. फाइनली इन द सिटी. लास्ट एक साल से प्लान करते करते इट इज़ 7:15. सो वी डोंट हैव टाइम टू गो टू द होटल, चेक इन, चेंज, गेट फ्रेशन अप. डायरेक्टली अभी टॉक देंगे. Lately I can never stress, never better, better yet. Might have had a thing for you. I digress, I let it rest. Go and get another check. I can always see my future. I bet they can never guess. सबसे बड़ी दिक्कत मेरी सॉल्व हो चुकी है. मेरा चार्जर हो चुका है. मैं बताएं कंजूसी में व्लॉगिंग कर रहा हूँ घर से कि भाई बैटरी खत्म है. इसमें सिर्फ 38% बैटरी बची है. ये कह रहा है कि मैं ट्विटर देखते रहने, मेरा काम तमाम कर दिया. तमाम कर दिया कि बना दिया, बना दिया, बना दिया. ऐसा था कि औरंगजेब, मतलब उनके टाइम के सब यहीं पे रहते थे. ये औरंगजेब उनका ही रूल था यहाँ पे. के नाम पहले खड़की था, सबसे पहले यहाँ पे खड़की औरंगाबाद हो गया. क्योंकि सबसे पहले बोले तो अपनों संभाजीनगर. यही मैटर भी चालू हुई कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजीनगर करना चाहिए. अभी भी चालू है फिलहाल. कोर्ट में केस चालू है. टाइम लगेगा. हाँ टाइम अभी वो अभी हमें तो नहीं पता. तारीख पे तारीख पे तारीख. I could always see my future. I bet they could never guess. Guessing they get it, cause look at me now and then look at yourself in the mirror. I know they doubted my thesis, but they doubted Jesus, and right now I'm making it clear. Clearly these people don't. What are you feeling, Ali? Huh? Jai Bachchan is coming. People don't know where they're going, and lately I feel like the man with the map. So, आपका नाम क्या, नाम भूल गया मैं. सर अनुज. अनुज कह रहा है कि आपके ब्लॉग देख के मुझे शर्म आती है. भाई मेरा तो फैमिली कंटेंट है, शर्म क्या होती है. मैं कौन सा विद्या बालन वाला वो. सर मैं भी सिनेमाटोग्राफर हूँ, मुझे भी नहीं आता इतना. अच्छा आप उससे ज़्यादा भारी करते हो ऐसा मुझे लगता है. इसके कोई भारी नहीं करता, बट आई वॉज जस्ट टेलिंग हिम कि क्या मैं आपको एक थोड़ी सी टिप देता हूँ. थोड़ी सी, इफ़ यू वॉन्ट टू डू यूट्यूब ना, डोंट डू ऑल सिनेमैटिक, बिकॉज सिनेमैटिक में हार्डवर्क बहुत लगता है. इट लुक्स गुड, बट एज अ क्रिएटर यू गेट बायस्ड. एंड लॉट ऑफ क्रिएटर्स मेक दैट मिस्टेक. दे थिंक कि विल पुट 4 मिनट सिनेमैटिक, या 4 मिनट सिनेमैटिक बनाने में जान निकल जाती है. 30 सेकेंड सिनेमैटिक बनाने में जान निकल जाती है. करेक्ट, आई एम राइट. तो सिनेमैटिक बस उतना ही रखो कि यू वॉन्ट अ फील गुड फैक्टर इन द वीडियो, बट ऑडियंस विल कम टू यू इफ यू टॉक टू दैम. सिनेमैटिक देख के दे विल नॉट कनेक्ट विद. तो सॉरी, आपने कॉलेज का नाम नहीं बताया मुझे. जेएनसी, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज. मुझे ऐसी फीलिंग के बारे की आप लोगों ने सूट फेस्ट के लिए चला है. जब लड़कियाँ आएंगी तो मेरे को फिटिंग वाला सूट पहनना है. व्लॉग में आ रहे सर, तो आप तो देख रहे तो सूट तो. Oh,
Thank you, bhai. Thank you so much. The event is done. And now, I have requested these guys ki mujhe kuch Aurangabad ka local street food khana hai. So we are going there. Aur yahan pe ek bahut famous burger chai. Thank you so much. Bye, you are lovely. Thank you, ma'am. और एक एक बरकत बरकत टी है हां बरकत टी बिल्कुल बरकत टी है थैंक यू भाई क्या नाम है आपका सर आपका पास आपके शो का पास सर थैंक यू भाई प्लीज गौरव भाई हम लोग अभी आ चुके हैं बरकत टी पीने ओल्ड औरंगाबाद में तो भाई अपन यहां से जो अपना डिपार्चर अराइवल के हम लोग फ्लाइट की बातें कर रहे थे कि मैंने कहा कि कहां जाना है लेफ्ट तो बोला कि यार दिल्ली की तो एक ही फ्लाइट है यहां पे कहता हां सर मैंने चेक की थी आपकी एक ही फ्लाइट दिल्ली की तो वही बुका है मैंने तो मैंने कहा कौन सा ऐसा शहर है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्लाइट है यहाँ पे कहता सर दिल्ली भैया चाय कैसे बनाते हैं बताएंगे थोड़ा ये सारा क्या ये चाय रेडी हो रहा है यहाँ पे इन्होंने स्पेशल आपके बारे में सुना है ये हाँ स्पेशल पीने आए सर बहुत दूर से और कितने बजे खुला रहता है आपका ये 11 बजे तक कितना कप चाय है ये जो बना रहा है ये कितना 120 कप कितना देर में खपत हो जाएगा ये आधे घंटे स्पेशल मसाला भी डालते हैं इसमें क्या डालते हैं क्या स्पेशल मसाला कुछ भी नहीं आपका बस हाथ की कारीगरी है इनकी 10 लीटर को 7 लीटर कर देते हैं आधे से ज़्यादा चाय को उड़ा देते हैं तो उसमें दूध का फ्लेवर आता होगा ये इनका फंडा है तो पानी जो है तो पूरा ख़त्म कर देते हैं हम थैंक यू सो मच तो जो चाय बन रही है सारी चाय यहाँ बन रही है मुझे लगता था चाय यहाँ बन रही है बट यहाँ पे सिर्फ वो कप में डाल के दे रहे हैं एंड जो एक्चुअल फ्लेवर है चाय का वो जैसे आप मिठाई नहीं खाते जैसे दूध को उबाल के थोड़ा सा खोया का फ्लेवर थोड़ा वैसा फ्लेवर आता है वो फ्लेवर आ रहा है चाय का अमेजिंग और कहते हैं कि कोई मसाला नहीं है ऐसी कोई स्पेशलिटी है कि स्पेशल मसाला यहाँ भी नहीं हो बट वो चाय को कितना उबालते हैं ये स्पेशल कितना देर लगता है एक बनने में आधा घंटा तक उबालते रहते तो ये पूरा भरा हुआ आधा रहता होगा नहीं ये आप लोग का दूसरा कप है पहला कप है उसी में अटके हुए हो कैसी जिंदगी में आगे बढ़ोगे यार ये चाय की दुकान खुलती है रात को 11:30 बजे तक तो यू कैन इमेजिन कि कितने यहाँ पे लोग आते होंगे भाई दाम कितना है इसकी चाय का 10 रुपीज़ सो मेरी बहुत ज़्यादा पैम्परिंग हो रही है आज अभी हम लोग आए हैं पंचवटी रेस्टोरेंट जो कि है बियर अरे आप भी आई हैं कम ऑन वो आप भी आए हो तो आप मुझे मना क्यों कर रहे थे मना नहीं कर रही थी मैं बट कुछ इनकन्वीनियंस ना हो नहीं कोई इनकन्वीनियंस ना हो इसीलिए बाकी तो फास्ट भी है मम्मी भाई पूछ रही थी कुछ खाया सोमवार का 1600 रखते हो आप नहीं 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 अच्छे पति के लिए नहीं नॉर्मल ऋतु ने रखा था उसको अच्छा पति मिला थैंक यू सो मच सो हम लोग आए अभी यहाँ की फेमस आइसक्रीम खाने सीताफल फ्लेवर तो मैंने बोला भाई कितना दूर है अभी हम लोग यहाँ पहले थे कहते सर यहाँ से 15 मिनट लगेगा तो मैंने कहा क्या सिर्फ 15 मिनट सो डेली बॉम्बे का इसके लिए 15 मिनट्स हाय कैसे आप थैंक यू सो मच ओ सो नाउ इट इज़ द लास्ट स्टॉप ऑफ द डे और अभी हम लोग आए हैं तारा पान सेंटर पे अभी यहाँ पे बहुत सेलिब्रिटीज आए हुए हैं कौन कौन आए हैं यहाँ पे मैं सारा अनुज नितिन सर मैंने बोला मैं ब्लॉग में बोल रहा हूँ ये तारा पान शॉप है ये बहुत फेमस है यहाँ बहुत सेलिब्रिटीज आए हुए हैं भाई कौन 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 है यहाँ पे मैं तरंग सारंग ये वो हम लोग आए हुए हैं सो दे हैव वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पान्स व्हिच इज द कोहिनूर पान मसाला पान 5,000 रुपए का है और कपल पान 3,000 का है हनीमून पान 1500 कुछ कह रहे हैं स्पेशलिटी है कोहिनूर पान की क्या स्पेशलिटी है क्या स्पेशलिटी है तूने बोला सर वो इतना मालूम जोश वर्धक है हाँ सर कपल को शायद दिया जाता है वेडिंग के पान तो ऐसा कुछ स्पेशल डालते हैं क्या डालते हैं का सीक्रेट किसी ने बता नहीं 5,000 का पान है शादी के बाद खाने वाला पान रहता है सौगात के लिए बनाते हैं स्पेशल पान बिना शादी के खाते तो क्या होगा उसको शादी करना पड़ेगा उसके बाद उसके लिए तो शादी करना पड़ेगा इतना जोश वाला लट्टू की बनाते फिर आप नहीं नहीं वो जो तो 8 रुपए बनता सर पान उसकी पान की साइज तो ऐसे सेम ही रहती है बट उसके अंदर जो मटेरियल गिरता मटेरियल महंगा आता तारा पान सेंटर अभी वेरी फेमस आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर सर अमिताभ बच्चन आए हुए शाहिद कपूर आए हुए वो आखिरा मूवी में के 2-3 एक्टर आए हुए सिंगम पिक्चर में के एक्टर आए हुए मैं मैट्रिक पास करके बम्बे वगैरह घुमा करा फिर मेरी माँ ने यहाँ बुलाई अपने जेवर वगैरह बेच कर मेरे को पैसा जमा करके दिए बोले पान की दुकान खोलो मैं बोला माँ पान की दुकान खोलने में क्या मतलब है बहुत मामूली धंधा है और मैंने मैट्रिक पास किया बोली सबसे बड़ा है रोग क्या कहते हैं लोग सबसे बड़ा है रोग क्या कहते हैं लोग बट तो मेरे क्या हुआ शादी के बाद दूसरे रोज मेरी माँ ने एक पान दिया मेरी बीवी को भी पान दिया उसने हमने खाया बहुत अच्छा लगा वो पान बहुत मजा आ गया 2-3 दिन गए मैंने खुद देंगी पान हाँ वो 5,000 वाला पान है क्या वो 5,000 ये है सीक्रेट 5,000 के पान का तो माँ को बोला मैंने मैं बोला देंगे पान डबल से मर को दी नहीं उसने फिर माँ को बोला मैंने वो अम्मा जरूर पान बनाए थे ना आपने मेरी माँ
थोड़ा सा एक बार और दो ना, तो बोले वो तो कुछ अच्छा मालूम हुआ क्या? तो मैं बोलो हाँ महाराज अच्छा भी मालूम हुआ और जरा खुशी भी हुई, खुशी भी हुई। तो बोले ठीक है, उन्होंने बना के दी और बोले बेटे मैं जरूर बताती इसको बेचो। तो वो जो उसमें फॉर्मूला है सिर्फ आपको ही पता है? मेरे को ही पता है और किसी को नहीं पता? किसी को पता नहीं, मेरी माँ थी अभी 2 साल हुआ उसकी इंतकाल, उसको मालूम था, मेरे को मालूम है, मेरे को एक लड़का है मैंने उसको भी नहीं बताया अभी। बताया अभी तक? कितना बड़ा आपका लड़का? अभी 23-24 साल का है। अपने लड़के को दिया आपने शादी में वो पान? ओके रिपोर्ट ना दोस्तों को भी। हाँ, एक रिपोर्टर ने मेरे से पूछा कि ये पान जो आप बना रहे हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है? फिर बोलो बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है। कैसा खतरनाक? अब फिर तुम बेच रहे हो, बोले मैं क्या करें क्या साइड इफेक्ट है इसका? मैं बोला एक औरत से 9 बच्चे हो गए। 5,000 का पान है ये? जी जी। तो 5,000 की दो आते हैं ये? हाँ, एक औरत के लिए एक आदमी के। अच्छा पेड़ आता है ये? हाँ। तो अगर औरत वाला आदमी खा ले और ये मिक्स हो जाए तो? तो ऐसा है आदमी कुछ नहीं, कोई औरत कुत्ते रहती। तो अगली बार अगर हम आएंगे अपनी बेगम के साथ तो ये पान खाएंगे फिर? जरूर। ठीक है, अभी नहीं खा सकते, कभी डेंजर हो जाएगा सर। तो ये आपका नाम? मेरे शर्फू भाई बोलते हैं सब। शर्फू भाई हैं और ये इनका स्पेशल पान है और इसमें क्या पड़ता है सर इनको ही पता है। एंड दिस वर्क्स बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि भाई यहाँ पे जो पान है बहुत फेमस है, 5,000 का पान है, कपल पान। आपसे मिलके धन्यवाद आपका समय देने के लिए सर। कौन सा वाला हमारा? ये वाला अच्छा पान है भाई। थैंक यू सो मच। खातिरदारी, इतनी मेहमान नवाजी, एक पान उन्होंने बना के दिया, एक पान खिलाया और सबको एक एक पान दिया। सर वो यहाँ पे आते थे औरंगाबाद में तो यहाँ पे रुकते थे, यहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड इंटर्नशिप कर रही थी जो मूवी में दिखाया गया है। अब मैं खाऊंगा ये पान एंड थैंक यू सो मच ये पान वाले चचा, आपका इतना प्यार रहा। थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। औरंगाबाद थैंक यू सो मच फॉर बींग सच अ लवली होस्ट। गुड नाइट, स्लीप वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू समथिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ओके, बाय बाय।